दुनिया भर के बाजारों को एक बार फिर से युद्ध का डर सताने लगा है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच वॉर ने बाजारों के सामने एक मुसीबत खड़ी कर दी है। अब ये मुसीबत कितनी बड़ी है, ये संकट कितना गहरा है और आपको और हमें कितना इससे डरने की जरूरत है, ये सारी चीजें समझने के लिए हमारे साथ एक जाने माने मार्केट एक्सपर्ट है। हमारे साथ है देवांग मेहता, जो डायरेक्टर है इक्विटी एडवाइजरी के स्पार्क प्राइवेट वेल्थ के। सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो विकास। सर, पहला सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कहते हैं कि एक कनेक्टेड वर्ल्ड में हम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, अब लेकिन ये ऑफिशियली शुरू हो चुका है, तो अब इसका क्या इंपैक्ट आप ग्लोबल मार्केट्स पर देखते हैं, कितना गहरा असर इसका पड़ने वाला है ग्लोबल मार्केट्स पर? आई थिंक यस, बिल्कुल। ये जो ग्लोबल मार्केट्स में हम एक राउंड ऑफ करेक्शन देख रहे हैं, जो वॉर इंड्यूस्ड है, जो आपने कहा एक युद्ध शुरू हो चुका है, तो वो टेम्पररी एक फेज होता है करेक्शन का। जनरली हमने ये देखा है कि एक दो दिन या तीन दिन इसका इम्पैक्ट लास्ट करता है। हमने रशिया यूक्रेन के वक्त भी देखा था कि क्रूड बढ़ गया था, या आपका जब अगर गोल्ड बढ़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा एसेट क्लासेस इक्विटी जनरली जिसको थोड़ा रिस्क वाला एसेट क्लास कहा जाता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि सेंटिमेंट खराब होता है। बाकी कोई ज्यादा इंडिया के लिए इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ना ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। बट जैसे मैंने कहा, एक सिक्स सिग्मा इवेंट है जिसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन आपका गलत जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट थोड़ा खराब हुआ है। हालांकि लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स में और भी स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि DIIs बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। FIIs के लिए थोड़ा सा ये डेफिनेटली एक नेगेटिव ये होता है कि जो रुझान है वो होता है, तो स्लाइट बिट ऑफ हम करेक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट मुझे हमेशा लगता है कि इस तरह का जो माहौल होता है वहां पे अपॉर्चुनिटी एंड एडवर्सिटी, ये हाइंडसाइट में ये टर्न होके आती है। सर, एक सवाल मैं समझना चाहता हूँ सिर्फ इंडिया के मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ग्लोबल तो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट हो रहा है और रिएक्शन दिख भी रहा है। इंडिया के मार्केट पर भी रिएक्शन सोमवार को देखने को मिला है। ये रिएक्शन कितना बढ़ सकता है, क्योंकि इंडिया के मार्केट पर जो पूरा एक कनेक्शन है, आप बता रहे हैं जो क्रूड का भी कनेक्शन है या फिर जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का भी कनेक्शन है, वो कितना परेशान करने वाला है इस वॉर की वजह से इसको? दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो क्रूड की जो बात चल रही है, इंडिया का जो डिपेंडेंस है क्रूड इंपोर्ट्स पे, 85% हम हमारा जो क्रूड का रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करते हैं, और ये डॉलर डिनोमिनेटेड जो बोलते हैं वो टाइप का ये प्रोडक्ट है, जिसपे अगर हमारे डॉलर ज्यादा खर्च होंगे तो आपको एक ये महंगा पड़ता है कि अगर क्रूड का जो भाव बढ़ जाए ऐसी वॉर के कारण। हमने रशिया यूक्रेन के वक्त भी देखा था, हमने ये वक्त भी देखा कि क्रूड 95 तक गया था और वहां से करेक्ट होके अगेन 80 की ओर आ रहा था, और आज वापस अब हमने देखा है कि क्रूड के प्राइसेस थोड़ा ऊपर बढ़ना शुरू हुए हैं। डेफिनेटली 1995 तक इंडिया को इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। यस, ऑफ कोर्स हर एक क्रूड पे एक डॉलर का बढ़ना इंडिया की डेफिसिट के ऊपर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लाता है। कंपनी के अर्निंग्स भी खराब होते हैं, जो भी कंपनीज इनसे डील करती है या जिनके रॉ मटेरियल प्राइसेस, रॉ मटेरियल के अंदर क्रूड यूज होता है, क्रूड एंड क्रूड के डेरिवेटिव्स, वहां पे भी एक थोड़ा महंगा पड़ता है। दूसरा, आपको ये देखना पड़ता है अगर ये वॉर अगर इंटेंसिफाई होती है, ये साला के कोई अभी तक ऐसे आसार है नहीं, बट बहुत डिफिकल्ट होता है ये कहना, क्योंकि ये सिक्स सिग्मा इवेंट्स होते हैं जिसको प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर ये वॉर थोड़ा लंबा चलता है या युद्ध का वातावरण लंबा चलता है, तो ये FIIs की भी थोड़ी सेलिंग इंटेंसिफाई होती है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं, अगर इनकी भी सेलिंग थोड़ी बढ़ती है, तो अगेन ये भी मार्केट को देखना पड़ता है कि थोड़ा करेक्शन और गहरा होता है। तीसरा, इंडिया में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन की जो बातें हो रही थी कि RBI ने भी कहा है कि हम 4% के करीब इन्फ्लेशन लाना चाहते हैं, तो क्रूड के चलते इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, जिसके कारण जो पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, नीचे नहीं आ रहा है, वो इंडिया में भी बढ़ सकता है। सो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको मॉनिटरेबल है। यस, बिल्कुल पैनिक का वातावरण अभी नहीं है, बट ये दो तीन चीज मॉनिटर करना जरूरी है। ओके, सो जैसा आपने बताया सर कि 99 तक जाने पर क्रूड के कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी चिंता हो सकती है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्रूड और उससे जुड़े सेक्टर्स की बात तो हमने कर ली, लेकिन और कौन से सेक्टर्स या फिर ऐसे इंडस्ट्री हो सकते हैं जो इसकी वजह से इंपैक्ट होंगे? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया एक इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो कौन कौन से और सेक्टर्स होंगे जो इंपोर्ट में जिनके परेशानी आ सकती है, या फिर इनफैक्ट हमारे कुछ जो एक्सपोर्ट है वो भी परेशान कर सकते हैं, हमें एक्सपोर्ट को लेकर भी कोई परेशानी आ सकती है क्या? यस, डेफिनेटली। अगर ये आप देखें क्रूड का, जिस तरह से अगर क्रूड बढ़ता है तो कौन से सेक्टर इंपैक्ट हो गए, जहाँ पे भी क्रूड एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, आप देखिए पेंट्स है, एडेसिव्स है, काफी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, आपके जो तेल के भाव है वो भी ऑफकोर्स क्रूड पे डिपेंड होते हैं, तो पेट्रोल, ऑयल, डीजल के प्राइजेस, ये सब भी अगर आप देखें तो इनको जो यूज करने वाली इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली थोड़ा शॉर्ट टर्म में सफर करती है। हालांकि आपको ये देखना पड़ता है कि इसमें कितनी कंपनी के पास कितनी इन्वेंट्री है, क्योंकि हर एक क्वार्टर में ये कंपनी सफर करे ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लास्ट क्वार्टर भी अगर आप देखें तो क्रूड बहुत ज्यादा ऊपर नहीं था, ये लास्ट 15-20 दिन में ही क्रूड का बिहेवियर थोड़ा सा अलग था। और अभी अगर ये क्रूड सस्टेन होता है 85-90-95 के ऊपर तो ही दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा 90-95 तक इंडिया में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, बट उसके ऊपर अगर जाता है तो काफी जगह रॉ मटेरियल में जो क्रूड यूज होता है उन कंपनीज के नतीजों पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। ओके सो ये बहुत क्लियर है, आपने चीजें बहुत अच्छे तरह से समझाई। बस एक आखिरी चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर, क्योंकि हमारे जो निवेशक जो दर्शक हैं हमारे वो देख रहे हैं, उनको ये सवाल उनके मन में जरूर होगा कि इस वक्त अब उन्हें क्या करना है मार्केट में, उनकी मार्केट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और क्या कोई सेक्टर है इस वक्त जो आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहां पे उनके लिए थोड़ा, वैसे तो मार्केट में रिस्क हमेशा रहते हैं लेकिन उनके लिए एक अगर वो थोड़ी लंबी अवधि के नजरिए से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है? यस, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, क्योंकि ऐसे टाइप की सिचुएशन हमने मल्टीपल टाइम्स देखी है। लास्ट आप देखे तो 7-8 साल में बार बार कभी ना कभी ऐसी घटनाएं होती है। मेरा हमेशा ये कहना होता है कि या आपको अच्छे न्यूज मिलते हैं या अच्छे भाव मिलते हैं बाय करने के लिए, तो हम जैसे कहते हैं इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी समटाइम्स। सो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि आज के आज सब कुछ बाय कर लीजिए, लेकिन आप नेक्स्ट 15 दिन महीना जब तक ये वॉलेटिलिटी रहता है या नेक्स्ट एक वीक जब तक ये वॉलेटिलिटी रहता है, वॉलेटिलिटी हैज टू बी अ फ्रेंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आपको धीरे धीरे आपका आपका जो पैसा है जिसने इन्वेस्ट नहीं किया है धीरे धीरे आप निवेश करिए। आप काफी सारे सेक्टर्स इंडिया में अच्छा कर रहे हैं जिनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है वो होल्ड करिए। ऐसी घटनाओं के कारण अगर आप निकल जाएंगे मार्केट में से तो आपको बहुत पछतावा होगा, तो यस आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी सहन करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो प्राइस करेक्शन भी होता है वो पेपर पे होता है, राइट? आपको कोई आप अगर बेचने जाएंगे तो आप नुकसान करोगे, इसलिए मेरे हिसाब से इमीडिएटली बेचना कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। रिगार्डिंग सेक्टर्स जो आपने पूछा, मेरे हिसाब से इंडिया में मैं हमेशा कहता हूं कि तीन जो थीम्स है, एक है क्रेडिट ग्रोथ जो जिसमें आपकी बैंक्स फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज आती है, दूसरा है कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, लास्ट जो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपेक्स आ रहा है उसके रिलेटेड कंपनीज जिसमें कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा है, उस तरह की राइट इंडस्ट्रीज है, और तीसरा कंजम्पशन। सो मैं हमेशा कहता हूँ क्रेडिट ग्रोथ कैपेक्स एंड कंजम्पशन, ये तीन थीम्स अगर आप देखेंगे, 3 C's, कंजम्पशन में आप डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, लग्जरी कंजम्पशन, ऑटोज, इन सबका जो सेल्स बढ़ रहा है, ये सबके स्टॉक्स, ये सबकी अच्छी बिजनेसेस अगर आप बाय करेंगे तो ये सबकी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो 4th C है वो भी काफी अच्छा आएगा। सो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के ऊपर मार्केट डिपेंड होता है, तो मेरे हिसाब से ये 3-4 थीम्स में अगर आपने एक छोटी सी बास्केट भी बना ली 12-15 बिजनेसेस की, आई थिंक आपको ये नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते रहना है। और मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी इंडिया इतना बुरा करेगा, इंडिया भी एक्सट्रीम, इंडिया एक कस्प ऑफ रिवाइवल पे है, आगे जाके नेक्स्ट 3-4 साल हम बहुत अच्छा करेंगे अगर हम ग्लोबल पीयर से कंपेयर करें। सो क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्पशन और कैपेक्स, ये तीन सेक्टर जो है आपने बोला कि तीन सेक्टर जो है वो इंडिया में ग्रोथ के लिए आगे आपको यहाँ मौके आपको मिल सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। सर एक सवाल मैं नतीजों के हिसाब से समझना चाहता हूँ क्योंकि नतीजों का एक सीजन शुरू हो रहा है, तो इस बार की तिमाही में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स जो है वो आउट परफॉर्म करेंगे या कौन से सेक्टर्स हैं जो लगाट रह सकते हैं जिनसे थोड़ा अभी इस वक्त दूर रहने की जरूरत है? हमारा अंदाजा है कि ये क्वार्टर एक डिसेंट क्वार्टर रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी कंपनीज ने लास्ट क्वार्टर में अच्छा गाइडेंस दिया था। अगर आप फेस्टिव सीजन देखे जो अभी आ रहा है, आई थिंक ये क्वार्टर के जो नंबर्स है वो नेचुरली जनवरी में आएंगे, तो वहां पे तो नंबर्स में काफी एक आपको एक बाउंस दिखेगा क्योंकि ये वर्ल्ड कप भी है और फेस्टिव सीजन भी है, तो आई थिंक जनवरी क्वार्टर के नंबर्स काफी अच्छे होंगे। ये क्वार्टर का खास आपका जो सवाल था उसके बारे में मुझे लग रहा है कि ऑटो एज ए सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, बैंक्स, सर्टन NBFCs, ये सबके नंबर अच्छे आएंगे। कहीं कहीं आपको क्रेडिट ग्रोथ दिखेगा, कहीं आपको मार्जिन एक्सपांड होते हुए दिखेगा। फार्मास्यूटिकल एज ए सेक्टर भी लास्ट दो क्वार्टर से अच्छा कर रहा है, वहां पे भी नतीजे और आगे बढ़ेंगे मुझे लग रहा है, वहां पे भी नंबर्स अच्छे आएंगे। कमजोर मुझे नहीं लग रहा है कोई सेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन IT एज ए सेक्टर में थोड़ा डिमांड वीकनेस दिख रहा था। ऑर्डर फ्लो हालांकि अच्छा रहा है, वहां पे मैनेजमेंट कमेंट्री और आपको गाइडेंस आगे के लिए सुनना पड़ेगा और थोड़ा देखना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है ये एक अच्छा क्वार्टर रहेगा, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया INC जो डीलिवरेज हो चुका था वो भी किस तरह से अपने आगे का कैपेक्स के बारे में या क्रेडिट ग्रोथ के बारे में क्या गाइडेंस देता है और बिजनेस के बारे में क्या गाइडेंस देता है वो एक देखना जरूरी है। बाकी आई थिंक नंबर्स मोर और लेस मार्केट में फैक्टर इन कर लिए है। ओके सो हमने इसराइल फिलिस्तीन वॉर से लेकर ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट और सेक्टर्स तक की बात की, नतीजों तक को डिस्कस किया। सर कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहते हैं क्या इसके साथ? I think कोई स्टॉक का डिस्कशन नहीं किया है, बट जो भी सेक्टर्स और जो भी मैंने थीम्स पे डिस्कशन किया है, इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर एडवाइजिंग, और हम ये बोल सकते हैं कि ये थीम्स और ये सेक्टर्स में हमारा और हमारे क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट हो सकता है।
जी बहुत शुक्रिया सर, आज आपने काफी समय से अच्छे से चीजें समझा दी, बहुत एक्सप्लेन करके आपने चीजें बता दिया। ग्लोबल मार्केट की सारी चीजें हमने समझी और क्रूड पर इंपैक्ट पर हमने काफी डिस्कस किया। आपने दर्शकों की स्ट्रेटजी भी बता दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया, आज आपने बीक्यू प्राइम हिंदी को समय दिया। थैंक यू।